Hello student, how are you all? I hope you all are fine. Doing study at home. Welcome back to our online classes from LPM Public School, situated at Gola Bazar, Gorakhpur. This is your subject teacher of Hindi. Today we are going to explain chapter 6 वचन, जिसको आप नंबर बोलते हो. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, विदाउट टाइम वेस्टिंग टेक आउट योर हिंदी व्याकरण बुक एंड ओपन चैप्टर 6. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके पहले प्रीवियस वीडियो में हमने आपको लिंग, इट मींस जेंडर को एक्सप्लेन किया था कि लिंग किसे कहते हैं. लिंग किसे कहते हैं? जिनसे हमें पुरुष या स्त्री जाति का पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं. लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग दो प्रकार के होते हैं. कौन कौन से होते हैं? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग. जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं. जैसे लड़की, नानी, मामी, मोरनी इत्यादि. ओके, अब पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का होने का पता चलता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं. जैसे पापा, मामा, दादा, विराट कोहली, मोर, शेर, हाथी इत्यादि. ओके स्टूडेंट्स, सो टुडे इज एक्सप्लेन वचन पार्ट 6 वचन, जिसको आप नंबर बोलते हैं. ओके, पहले हम क्या करेंगे, इसे रीड करेंगे. देखिए, पढ़िए और समझिए. पहले हम इस पिक्चर को देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे. यहाँ पे देखिए कुछ पिक्चर बने हुए हैं, गुब्बारा, संतरा और तारा. यानी हमको इसमें वचन को आइडेंटिफाई, वचन को पहचानना है कि क्या होता है. तो एक वचन होता है, क्या होता है? तो बहुवचन होता है. ओके, पहले हम आपको बताएंगे कि वचन किसे कहते हैं. ओके, जिस शब्द के जिस रूप से पता चलता है कि वो एक या अनेक है उसे वचन कहते हैं. वचन किसे कहते हैं? जिन शब्दों से हमें पता चलता है कि कोई भी चीज़ एक है या अनेक है उसे हम वचन कहते हैं. वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन दो प्रकार के होते हैं. कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन. अब हम क्या बताएंगे कि एक वचन किसे कहते हैं. एक वचन जिन चीज़ों से हमें पता चलता है कि ये चीज़ एक है उसे हम एक वचन कहते हैं. जैसे जिन गिनती से हमें, जिन शब्दों के से उसकी गिनती में एक होने का पता चलता है उसे हम एक वचन कहते हैं. जैसे लड़की, अगर अकेले लड़की खड़ी है तो उसको बोलेंगे लड़की. एक किताब है तो उसे हम बोलेंगे कि किताब. अगर एक हाथी है तो बोलेंगे हाथी. बंदर है तो क्या बोलेंगे? बंदर. शेर है तो क्या बोलेंगे? शेर. ओके, ये एक वचन में आते हैं. ओके, जिन शब्दों के गिनती से हमें एक या अनेक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे हम बहुवचन कहते हैं. जैसे क्लास में बहुत सारी लड़कियां, तो उसको क्या बोलेंगे? लड़कियां. बहुत सारे बॉयज मतलब बच्चे हैं, लड़के हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लड़के. यानी लड़के, लड़कियां. लड़कियां मीन्स बहुत सारी. लड़की मीन्स बहुत सारे. बैग में बहुत सारे किताब रखो तो उसको क्या बोलोगे? किताबें. ये क्या है? बहुवचन. ओके, अब हम क्या करेंगे, पहले इसको देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद रीड करेंगे. ओके, ये क्या है? फर्स्ट पिक्चर गुब्बारा, गुब्बारा. सेकेंड वन संतरा. थर्ड वन तारा. अब यहाँ पे देखिए कि गुब्बारा का एक ही पिक्चर है. गुब्बारा का एक ही पिक्चर बना हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे? गुब्बारा. सेकंड पिक्चर क्या है? संतरा. संतरा का भी एक ही पिक्चर बना हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे? संतरा.
तारा, तारा आसमान में तारा एक ही दिखाई दे रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे तारा। यानी जहाँ पे चीजें एक होगी उसको हम क्या बोलेंगे एकवचन। अगर चाहे लड़का हो, चाहे बाइक मोटरसाइकिल हो, कार हो, घर हो, जहाँ पे एक रहता है उसे हम क्या बोलते हैं एकवचन। ओके नेक्स्ट वन सेकंड, इन सब चित्रों की गिनती एक है। ओके मतलब एक ही बंच है, इनको हमको गिनना है कितने हैं। फर्स्ट पिक्चर में 1 2 3 4, यानी 4 है, यानी 4 गुब्बारा है, जिसको हम क्या बोलेंगे गुब्बारे, क्या रीड करेंगे गुब्बारे। सेकंड पिक्चर क्या है संतरा, वह 1 2 3 4, यानी 4 संतरा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे संतरे। यहाँ पे हम संतरा नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे संतरे। नेक्स्ट क्या है, आसमान में तारा है, 1 2 3 4, कितने तारा हैं 4, यानी 4 तारा है, इसको हम क्या लिखेंगे तारे, क्या बोलेंगे तारे। यानी एक से अधिक हुआ, ये एक से 3 गुना अधिक हुआ, फर्स्ट पिक्चर में एक था, यहाँ पे 4, यानी 3 गुना अधिक, यानी एक से अधिक या होने से जिसका पता चलता है उसे हम बोलते हैं बहुवचन। जिसकी काउंटिंग एक से अधिक होती है उसे हम बहुवचन बोलते हैं। ओके नाउ नेक्स्ट वन, इन सब चित्रों की गिनती एक से अधिक है। ओके यानी जितने भी ये पिक्चर बने हैं ये काउंटिंग में गिनती में एक से अधिक है। ओके ये जो है पिक्चर एक से अधिक है, यहाँ पे 4 गुब्बारे हैं, 4 संतरे हैं, 4 तारे, यानी एक से अधिक है, तीसरे हम क्या बोलते हैं बहुवचन। ओके शब्द के जिस रूप से पता चलता है कि वह एक या अनेक है उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से पता चलता है कि वह एक या अनेक है उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, वचन दो प्रकार के होते हैं, कौन से वचन के, पहले यहाँ पे आप प्रकार देखेंगे, वचन के यहाँ पे प्रकार देखेंगे कि कौन कौन से दो प्रकार होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट नंबर एक वचन एंड सेकेंड नंबर बहुवचन। ओके वचन के दो प्रकार होते हैं, कौन से, पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। इज दैट क्लियर। जिन शब्दों से उसकी गिनती में एक होने के बारे में पता चलता है उन्हें एक वचन कहते हैं। जिन शब्दों से उसके गिनती में एक होने के बारे में पता चलता है उन्हें वचन कहते हैं, जैसे लड़की, किताब आदि। ओके यहाँ पे लड़की है तो एक ही है, लड़की है तो एक है, किताब है तो एक है, इसी से हम इसको क्या बोलेंगे एक वचन। नेक्स्ट वन, जिन शब्दों से उसकी गिनती में एक से अधिक होने के बारे में पता चलता है उन्हें बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़कियाँ, किताबें आदि। यहाँ पे दिया हुआ है लड़कियाँ, लड़कियाँ यानी बहुत सारी लड़कियों की, तभी यहाँ पे लड़कियाँ, किताबें बहुत, एक से अधिक किताब होगा तो यहाँ पे होगा किताबें, यानी ये क्या है बहुवचन। कुछ अन्य एक वचन और बहुवचन शब्द, यहाँ पे कुछ है एक वचन और बहुवचन वचन शब्द दिए गए हैं जिनको हम क्या करेंगे रीड करेंगे। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला एक वचन और दूसरे कॉलम में है बहुवचन, बच्चा बच्चे, कपड़ा कपड़े, ताला ताले, चूहा चूहे, ये क्या है कमरा एक वचन, कमरे बहुवचन, पंखा एक वचन, पंखे बहुवचन, लड़का लड़के, बोतल बोतले, आँख
आँखें, गेंद गेंदे, नाव नावे, पतंग पतंगे। ये क्या है आपके एक वचन और बहुवचन। सेकेंड लाइन में भी दिया गया है एक वचन और बहुवचन शब्द दिए गए हैं जिनको हमें क्या करना है रीड करना। माला मालाएं, माता माताएं, बालिका बालिकाएं, ओके, सभा सभाएं, खिड़की खिड़कियां, गुड़िया गुड़िया। यहाँ पे देखिए गुड़िया गुड़िया यानी यहाँ पे चंद्र बिंदु का सिर्फ अंतर है। चूहिया चूहिया, नदी नदियाँ, मक्खी मक्खियाँ, कटोरी कटोरियाँ, थाली थालियाँ, मिठाई मिठाइयाँ। ये थे आपके एक वचन और बहुवचन शब्द। अब यहाँ पे कुछ नीचे दिए गए जिनको हम आपको बताएंगे। अब तक हमने सीखा, अब तक हमने क्या सीखा, अब यहाँ पर आप देखिए शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। जिस शब्द से पता चले कि वह गिनती में एक है उसे एक वचन कहते हैं। जिस शब्द से पता चले कि वह गिनती में अनेक है उसे बहुवचन कहते हैं, यानी एक से अधिक है उसे हम बहुवचन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज मैंने आप लोगों को एक वचन और बहुवचन बताया। वचन कितने प्रकार के होते हैं, वचन को हम कैसे पहचानेंगे। ओके, इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? सो दैट्स इट ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।